सर, आप कई बार कह चुके हैं कि राम सबके हैं, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जो है वो बेहद नजदीक आ चुका है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने। राम सिर्फ उस मंदिर में बसता है क्या? राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है, वो विश्व का राम है, वो एक तबके का राम नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है, ये अपने पुस्तकें नहीं जानते हैं। राम विश्व का राम है, याद रखिएगा। रशिया में कोई मंदिर है मगर राम वहाँ भी है, हर जगह राम है, ये याद रखिए। सर, जिस तरह से हमने आपने कहा कि वर्ल्ड पावर्स का एस्केलेशन हो रहा है, चाहे बात इसराइल गाजा की जाए या फिर यूक्रेन रशिया की, उस बीच अब ईरान और पाकिस्तान का एस्केलेशन भी देखने को मिल रहा है। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए स्ट्राइक्स की हैं। देखिए क्यों है ये, बलूचिस्तान के जो हैं उनको शरण मिल रहा है ईरान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान उससे खुश नहीं है, समझते हैं ये हमारी जो सरहद पे इनकी है वो हमारे लिए ख़तरा है। तो ये आप बाकी मुल्क कर रहे हैं सॉल्व इसको किसी तरीके से का इसका हल निकले, क्योंकि इन मुल्कों को इकट्ठे रहना है, उस चैलेंज का मुकाबला करना है जो इनके ऊपर आ रहा है। सर, इंडिया एयरलाइंस के कई घटक दल जो ऐसे हैं जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है, उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए राम क्या सिर्फ बीजेपी का है, राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उमरा के लिए, क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो सर, इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी, राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पर चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं, कौन डाल रहा है, कौन संस्था है जो डाल रही है, बताइए। लेकिन सर ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? लेकिन आप ही के कोलिशन पार्टनर जो हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी डिक्लाइन किया, तो आपको लगता है उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी को जोर नहीं है। सर, हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करें, हाफ डे का क्या मतलब है? फुल डे करें, मालिक है हिंदुस्तान की है, वो क्यों नहीं एक महीने की छुट्टी करें? हमारा क्या जाता है, करें? अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे, इसमें क्या गलती? थैंक यू सर। आपको अगर इनविटेशन आता तो आप जाते सर? अरे यार, मुझे इनविटेशन नहीं आया तो फिर क्यों पूछते हो?